परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारे जम्मू में गौ माता की सेवा के लिए बड़ी अच्छी पहल की है हमारे इस परिवार ने। रोज कोई ना कोई सदस्य इस परिवार से समाधि जब से यज्ञ चल रहा है पहुंचता है, क्योंकि इनके पिताश्री महाराज जी के साथ अक्सर हर सप्ताह में रहते। उनका नाम लेना है तो मेरे लिए उदंडता, पर चलो जब परिचय करवाना हो तो उसले भगवान माफ कर दे। श्रद्धे श्री श्रीनिवास जी उनका परिवार है जी। और आज वेद लक्षणा गौ माता कुछ आह दे जो गाय श्री कृष्ण के संग रहती थी। देसी गौ जी आखने अमड़े डोगरी च देसी गौ कड़ी होंगी जो उपर मन हो थले गले दे गल कंबल होए झालर होए उसी देसी गौ आखते, जो उपर मन होए सिंग हो मन हो। मन डोगरी च आखते, पंजाबी च ढोठ आखते, अंग्रेजी च हंप आखते, राजस्थान कूबड़ आखते। अस डोगरे पंजाबी हाँ, मन साड़ा शब्द है मन। तो देसी जम्मू दे विच गाइयां गीर गौ माता लाई हैं और उनसे मैं कहूँ कि गौशाला बड़ी सुंदर बनाई है इन्होंने अपने भट्टे पर, सीलमा दे लागे गए भट्ठा है। और सरोवर सारे परिचय तो दो सिंधे करने इन्हें प्रयास किया कि पूरे जम्मू च देसी गौ वंश का प्रचार प्रसार किया जा और गौ माता घर घर अपना आशीर्वाद दे है। वो किन्या हो सकता जल्द तुम गौ रख गए हो, हम तुम आखो कि गौ रखने आशीर्वाद नहीं दिंदी। गौ की जे डंगर समझिए रख गए हो तो फिर छड़ा दुद्ध मिलना जे, पर गौ की जे देवमई सर्वदेवमई गौ माता समझिए रख गए हो फिर आशीर्वाद मिलना। वो एक भजन था, मानो तो मैं गंगा माँ हूं ना मानो तो बहता पानी, जे छड़ा गौ दुद्ध वास्ते के समझदा डंगर फिर छड़ा दुद्ध मिलना है। पर बंधु जिन्होंने गौ को मां समझ के उसमें सर्व देवताओं का वास समझ के उसकी पूजा की, नित्य दो समय उसका दर्शन किया और प्रणाम करके मां हमें अमृत तुल्य दूध प्रदान करो, तो उनकी सब बीमारियों को भी भगवती गौ माता हर लेती है। इन्होंने वेद लक्षणा गौओं की सीलमा में एक गौशाला स्थापित की है, तो हम कहेंगे आप सब स्वागत करें करतल ध्वनि से। और एक गौ संरक्षण संवर्धन के लिए 2024 में हम बैठ करके कोई एक योजना बना रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में गौओं को कैसे संरक्षण और संवर्धन मिले, उन्हें की बचाया भी जाए या क्या देसी नस्ल का प्रचार हो है गौ देखे के फायदे ने ऊपर सिर्फ चर्चा की जाए 2024 किन्या करना है वो वास्ते योजना बना दें। तो बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। तुसें भी एदा साथ देना भाई इस अभियान दा, और वो साथ इन्या कोई सकदा है घर घर तुलसी घर घर गाय और भोजन दूध दही को, दूध के ओदा भोजन करना घर घर तुलसी होए घर घर गौ। जय श्री राम बच्चे।